हेलो एवरीवन, मैं वैभव श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ सक्सेस प्राइड पर। और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक रनवे लेंथ। तो मोस्टली एक क्वेश्चन जो आता है रनवे ओरिएंटेशन से जरूर आता था, जिसमें पहले पार्ट में हमने कंप्लीट किया रनवे का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, विंड रोज डायग्राम क्या होना चाहिए। आज हमारा ये रनवे डिजाइनिंग का पार्ट 2 है, रनवे डिजाइनिंग का पार्ट 2 है। और इसमें हम कंप्लीट करेंगे हमारे बेसिक रनवे लेंथ की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या क्या करेक्शन है, क्या क्या चीज़ें हैं हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, उन सभी चीज़ों की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेक्चर नंबर 4 है, तो हम बेसिक रनवे लेंथ एंड इट्स करेक्शन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें बात समझ में आना चाहिए कि हम बेसिक रनवे लेंथ बार बार बोल रहे हैं, ये बेसिक रनवे लेंथ होता क्या है, बेसिक रनवे लेंथ होता क्या है। तो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो ब्लैक पेवमेंट है, ये जिस पे मार्किंग है, ये आपका क्या है, रनवे। और रनवे वो पोर्शंस होता है जहां पर एयरक्राफ्ट लैंडिंग के पहले या फिर टेक ऑफ करने के पहले अपनी रिक्वायर्ड स्पीड को पाता है। टेक ऑफ करने के लिए उसको स्पीड चाहिए काफी ज्यादा, और उस ग्राउंड स्पीड को अचीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रनवे। या लैंडिंग के बाद अपनी स्पीड को डीएक्सलरेट करने के लिए उसे क्या चाहिए है, एक पेवमेंट सरफेस चाहिए है। और उस पेवमेंट सरफेस को क्या नाम दिया जाता है, उस पेवमेंट सरफेस को नाम दिया जाता है रनवे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं इसी रनवे की लेंथ कितनी होना चाहिए, लेंथ कितनी होना चाहिए, किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, तो ये सभी बातें ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक रनवे लेंथ होता क्या है और किन पैरामीटर्स पे हम इनको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक रनवे लेंथ होता क्या है और किस पैरामीटर पे हम इनको डिफाइन कर रहे हैं। अब पहला पोर्शन, ठीक है, इट इज द, अगर हम बात करते हैं बेसिक रनवे लेंथ, तो वो बेसिक लेंथ है जो मिनिमम लेंथ है या किन्हीं स्पेशल कंडीशन के अंडर वो लेंथ है जो हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे बेसिक रनवे लेंथ इज लेंथ ऑफ रनवे अंडर फॉलोइंग कंडीशंस, इन फॉलोइंग कंडीशंस। और ये जो कंडीशंस हैं ये अज्यूम्ड कंडीशन है। ठीक है, अज्यूम्ड कंडीशन है एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के अंदर अज्यूम कंडीशन है कि इन अज्यूम कंडीशन को हमें स्टैंडर्ड कंडीशन मान के चलना है। पहला कंडीशन क्या है, ठीक है, पहला कंडीशन है एयरपोर्ट एल्टीट्यूड एट सी लेवल, एयरपोर्ट एल्टीट्यूड एट सी लेवल। अब ये क्यों बोला गया है, एयरपोर्ट एल्टीट्यूड जो होना चाहिए सी लेवल पे होना चाहिए, क्यों, समुद्र तल से ऊंचाई पे होना चाहिए, समुद्र तल के लेवल पे होना चाहिए एयरपोर्ट का एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या है, ऊंचाई। ठीक है, जो एयरपोर्ट सरफेस है जहां पर हम रनवे बना रहे हैं, वो रनवे जो है समुद्र तल के लेवल पे होना चाहिए, सी लेवल पे होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊंचाई पाते जाते हैं, जैसे जैसे समुद्र तल से आपका एल्टीट्यूड चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे एयर की डेंसिटी चेंज होती जाती है। और आपने देखा होगा जब एयरप्लेन उड़ रहा होता है, तो जब टेक ऑफ ऑपरेशंस होता है या लैंडिंग ऑपरेशंस होता है, उस समय उसके विंग्स अप एंड डाउन होते हैं। जो विंग्स होते हैं उसके, ये एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और इसके जो विंग्स होते हैं साइड में, ये अप्स एंड डाउन होते हैं। तो ये विंग्स अप्स एंड डाउन होते हैं, तो यहाँ पर एयर के द्वारा कुछ मोशंस किया जाता है, तो एयर्स के द्वारा कुछ उनको लिफ्ट मिल रहा होता है, जिसके कारण एयरपोर्ट भी टेक ऑफ करने की कोशिश करता है। तो सी लेवल पे नहीं होगा तो उस कंडीशन में एल्टीट्यूड चेंज होगा, और अल्टीट्यूड चेंज होने के कारण एयर की डेंसिटी चेंज हो जाती है। और जब एयर की डेंसिटी चेंज होगी तो एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑपरेशंस में क्या होगा, डिफिकल्टी आएगी। और उस डिफिकल्टी को ओवर करने के लिए ग्राउंड स्पीड हमें ज़्यादा या कम करनी होगी। तो उस ग्राउंड स्पीड को अचीव करने के लिए जो रनवे लेंथ हम निकालेंगे, रनवे लेंथ निकालेंगे, वही हमारी बेसिक रनवे लेंथ है। तो अज्यूम्ड कंडीशंस में बात है, ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं है कि एल्टीट्यूड हमेशा सी लेवल पे होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, टेम्परेचर एट एयरपोर्ट, अगर हम बात करें टेम्परेचर एट एयरपोर्ट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना है, भले ही वहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो या नहीं, हमने टेम्परेचर एट एयरपोर्ट साइड कितना माना है, स्टैंडर्ड माना है, वो कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इससे क्या रिलेशनशिप है सर, देखिएगा, फिर से अगेन अगेन मैं बात करूंगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो एयर की डेंसिटी चेंज हो जाएगी,
जो सराउंडिंग्स की एयर है, एयर की डेंसिटी चेंज, और अगर एयर की डेंसिटी चेंज हुई फिर से टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑपरेशंस में आपको ऑब्स्टिकल आएंगे, तो उस चीज़ को हम इंश्योर करने के लिए हमें टेम्परेचर भी का चाहिए सेम चाहिए, ठीक है। अगेन रनवे इज लेबल्ड इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। मतलब क्या बोलना चाह रहा है समझिएगा, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए ये रनवे है और रनवे पे एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये लेवल होना चाहिए, ना कि यहाँ पर कोई ग्रेडियंट प्रोवाइड होना चाहिए। इस तरीके से ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर 100 मीटर की ऊंचाई हो और यहाँ पर 101 मीटर की। अगर ऐसा हुआ, अगर टेक ऑफ ऑपरेशन करना है, यहाँ से क्या करना है, टेक ऑफ ऑपरेशन करना है, मतलब उड़ना है इसको, और यदि ये कंडीशन बन रही है तो स्पीड ग्रेडियंट पे जाने से स्पीड क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्पीड कम हो जाएगी एयरक्राफ्ट की, और जब ग्राउंड स्पीड कम होगी तो फिर से टेक ऑफ करने के लिए जितनी स्पीड चाहिए उतने को पाने के लिए रनवे की लेंथ बढ़ाना पड़ेगी, रनवे की लेंथ फिर से क्या हो गई है, फिर से डेविएट हो गई है या नहीं। तो अगर ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, रनवे की लेंथ को चेंजेस करना होगा जो कि एक्चुअल ग्राउंड स्पीड है वो अचीव करने के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वहां पर लेबल होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, मतलब ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नो विंड इज ब्लोइंग ऑन रनवे, ठीक है, अगर रनवे की बात करें तो रनवे पे कोई भी एयर ब्लो नहीं हो रही है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की हुई थी कि क्रॉस विंड कंपोनेंट जो होगा, हवा का क्रॉस विंड कंपोनेंट जो होगा वो हमारी रनवे में टेक ऑफ और हमारे लैंडिंग ऑपरेशंस को अफेक्ट करेगा। तो अगर कोई भी विंड है तो वो अफेक्ट करता है, तो वैसे उस तरीके कोई भी विंड नहीं होना चाहिए। ये आइडियल कंडीशन है, क्या ऐसा पॉसिबल है रनवे पे कोई भी हवा नहीं बह रही होगी, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने क्या लिखा, अज्यूम्ड कंडीशन है, ठीक है। एयरक्राफ्ट इज लोडेड टू इट्स फुल लोडिंग कैपेसिटी, इसकी फुल लोडिंग कैपेसिटी के साथ एयरक्राफ्ट क्या होना चाहिए, इसकी अपनी खुद की फुल लोडिंग कैपेसिटी के साथ क्या होना चाहिए, लोडेड होना चाहिए। मतलब जितना मैक्सिमम लोड लेकर के इजीली टेक ऑफ कर पाएगा और इजीली लैंडिंग कर पाएगा, वो हमें देखना है कि उसकी उसके लिए कितना रनवे लेंथ रिक्वायर्ड होगा, तो वो हमारा बेसिक रनवे लेंथ के अंदर आएगा। क्योंकि अगर कम लोड है तो स्पीड ज़्यादा जल्दी अचीव कर लेगा, अगर ज़्यादा लोड है तो वही स्पीड अचीव करने में, ग्राउंड स्पीड अचीव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम उसकी कैपेसिटी भी देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट, इन रूट टेम्परेचर इज स्टैंडर्ड। अब इन रूट टेम्परेचर का मतलब क्या है, इन रूट टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ से इसने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करके एक डिफाइंड एल्टीट्यूड पहुंचना है, इसको एक डेफिनाइट एल्टीट्यूड पहुंचना है, तो ये जो एनरूट है, एनरूट कंडीशन है, या फिर हम बात करें ग्राउंड पे जो एनरूट कंडीशन है, यहां से यहां तक जहां से स्टार्ट किया है और टेक ऑफ करने की कोशिश की गई है, यहां से यहां तक जो एनरूट कंडीशन है, उन एनरूट कंडीशन में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, वहां पर भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वहां पर भी चेंजेस होते हैं तब भी एयर की डेंसिटी चेंज होगी और विंग्स को जो लिफ्ट मिलने वाला है वो लिफ्ट भी क्या होगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है, और इन स्टैंडर्ड कंडीशन में जो रनवे लेंथ डिफाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक रनवे लेंथ बोला जाता है। तो आई होप कि बेसिक रनवे लेंथ का मतलब आप समझ गए होंगे। अब जैसे ही एल्टीट्यूड चेंज होगा तो आप करेक्शन अप्लाई करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा वैसे ही आप करेक्शन अप्लाई करेंगे, और जैसे ही अगर हम बात करें ग्रेडियंट चेंज हुआ वैसे ही आप क्या करेंगे, करेक्शन अप्लाई करेंगे। बट इसके अलावा भी तीन और बेसिक कंडीशन होती हैं जिनमें हम रनवे लेंथ को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब वो तीन बेसिक कंडीशन क्या होती हैं, तो यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो द फॉलोइंग केसेस आर यूजुअली कंसीडर्ड टू डिटरमाइन बेसिक रनवे लेंथ। ये तीन कंडीशन है जिसमें हम बेसिक रनवे लेंथ को डिफाइन करते हैं, वो क्या क्या है। पहला है नॉर्मल टेक ऑफ कंडीशन
नॉर्मली हम टेक ऑफ करना चाह रहे हैं वो कंडीशन, एक एक करके इनको डिफाइन करूंगा मैं। नॉर्मली लैंडिंग कंडीशन, नॉर्मल लैंडिंग कंडीशन, ठीक है, और लास्ट होता है इंजन फेल्योर कंडीशन, इंजन फेल्योर कंडीशन, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इन तीनों कंडीशन को वन बाय वन एनालिसिस करते हैं और इसमें से मैक्सिमम ऑफ थ्री इज कंसीडर्ड एज रनवे लेंथ। क्योंकि अगर हमने मिनिमम वाला कंसीडर कर दिया तो बाकी दो केसेस में फेल हो जाएगा या नहीं, क्योंकि बाकी केसेस में ज़्यादा लेंथ रिक्वायर्ड है। और मिनिमम अगर हमने रनवे लेंथ प्रोवाइड की, मान लीजिए नॉर्मल टेक ऑफ में आपको चाहिए 60 मीटर की, या आप बात कर रहे हैं 1.5 किलोमीटर का चाहिए, ठीक है, और नॉर्मल लैंडिंग केस में आपको चाहिए 1.3 किलोमीटर, आपने 1.3 किलोमीटर प्रोवाइड कर दिया, क्या टेक ऑफ ऑपरेशन नॉर्मल हो पाएगा? नहीं, हमें वहां पर कुछ फोर्सेस लगाने होंगे या कुछ स्पेशल कंडीशन लगानी होगी तब जाकर के वो हो पाएगा, तो नॉर्मल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और नॉर्मल इसलिए चाहिए है, नॉर्मल का मतलब ये होता है कि पैसेंजर्स को डिस्कम्फर्ट ना हो, पायलट को डिस्कम्फर्ट ना हो, जितना हमें सेक्शन चाहिए वो सेक्शन तो प्रॉपरली अवेलेबल होना चाहिए। तो ध्यान रखना, यहाँ पर नोट का एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या अगर हम बात करते हैं जेट इंजन के लिए, तो जेट इंजन के लिए ऑल द थ्री कंडीशंस आर कंसीडर्ड, तीनों के तीनों कंडीशंस जो होती हैं वो कंसीडर्ड की जाती हैं। बट अगर हम बात करें पिस्टन इंजन के लिए, पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तो पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट के लिए ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशंस इज कंसीडर्ड। उसमें हम बात करते हैं सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन इज कंसीडर्ड, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मल लैंडिंग केस एंड हमारा इंजन फेल्योर केस, हमारा दो कंडीशन यहां पर कंसीडर की जाती हैं। तो इसको मैं साफ करके लिख देता हूं पूरे ढंग से, सेकेंड और थर्ड कंडीशन इज कंसीडर, टेक ऑफ कंडीशन को कंसीडर्ड नहीं किया जाता है। बट ध्यान रखना, जेट इंजन में इंजन फेल्योर केस बहुत कम होते हैं, जेट इंजन हैवी होते हैं, उनमें न्यूसेंस बहुत आवाज़ होता है, बहुत साउंड होता है, ठीक है। तो जेट इंजन में इंजन फेल्योर कंडीशन कम होते हैं, बट फिर भी वो क्रिटिकल होते हैं, इसलिए वहाँ पर उनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हमने कौन कौन सी कंडीशन पढ़नी है। हमें पढ़नी है नॉर्मल टेक ऑफ कंडीशन, नॉर्मल लैंडिंग कंडीशन और नॉर्मल इंजन फेल्योर कंडीशन। तो यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल लैंडिंग कंडीशन, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन है नॉर्मल लैंडिंग कंडीशन। नॉर्मल लैंडिंग कंडीशन का मतलब समझना कि जो भी हमने अभी स्टैंडर्ड कंडीशन मानी है, उन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर हमारा पैसेंजर को भी जर्क नहीं लगे और जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल होते हुए हमारा एयरक्राफ्ट जो हो जाए वो स्टॉप हो जाए। तो अगर हम बात करें इसमें बोला जाता है इन दिस कंडीशन एयरक्राफ्ट शुड कम टू द स्टॉप within 60% length of aircraft, 60% length of runway, runway की 60% length को use करना चाहिए और उसमें हमारा aircraft stop हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो क्या कहना चाह रहे हैं, ये मान लीजिए ये runway है आपका, ये runway है, ठीक है। इस runway की length है L, तो अगर मैं यहाँ पर लैंडिंग कराता हूँ तो ध्यान रखना रनवे के इनिशियल पोजीशन पे जो एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड होता है जब लैंडिंग ऑपरेशन होता है तो वो 15 मीटर होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेडियंट कम होकर के एक कंडीशन पे आएगा कि यहाँ पर स्टॉप हो जाना चाहिए। तो
जब रनवे पे एंट्री लिया है एयरक्राफ्ट, मतलब 15 मीटर की ऊंचाई पर है उस कंडीशन में और स्टॉप कंडीशन में आ रहा है, तो वो कंडीशन में जो ये लेंथ होना चाहिए 0.6 L होना चाहिए, 0.6 L होना चाहिए। तो ये कंडीशन बोली जाती है नॉर्मल लैंडिंग कंडीशन। ये क्या क्या बोलता है, नॉर्मल, सभी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल लैंडिंग कंडीशन। तो यही बोलना चाह रहा है, इन दिस कंडीशन एयरक्राफ्ट शुड कम टू द स्टॉप विद इन 60% लेंथ ऑफ रनवे। और अगेन कई बार पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, तो अगर 60% लेंथ में कंप्लीट आ जाएगा तो ये बताइएगा कि पेमेंट जो है, पेमेंट जो है लैंडिंग, अगर हम लैंडिंग इस रनवे पे करा रहे हैं तो इस पेमेंट की स्ट्रेंथ पूरे में सेम रखेंगे कि अलग अलग रखेंगे। सेम रखना चाहिए अलग अलग, तो ध्यान रखना है पूरे में स्ट्रेंथ सेम रखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, द रनवे रनवे ऑफ फुल स्ट्रेंथ पेमेंट, फुल स्ट्रेंथ पेमेंट इज प्रोवाइडेड, इज प्रोवाइडेड फॉर फॉर एंटायर एंटायर लैंडिंग डिस्टेंस। तो जितना भी लैंडिंग डिस्टेंस है उस लैंडिंग डिस्टेंस के लिए हमारा जो रनवे का स्ट्रेंथ होगा, जो पेमेंट का स्ट्रेंथ होगा, वो क्या होगा, सेम। क्योंकि कई बार 60% से आगे चले गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसकी फुल स्ट्रेंथ रखना है। तो नॉर्मल लैंडिंग केस समझ में आया, ये डायग्राम में और देख लीजिएगा, यहाँ पर ये देखिएगा, अगर हम रनवे की बात करते हैं तो यहाँ से एयरक्राफ्ट आ रहा है, ये एयरक्राफ्ट आ रहा है। अगर एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन से आ रहा है तो समझिएगा यहाँ से 15 मीटर की ऊंचाई पर है, 15 मीटर, और 15 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर आकर के स्टॉप हो गया है। तो ये क्या है, 60% ऑफ लैंडिंग डिस्टेंस, और ये है कंप्लीट लैंडिंग डिस्टेंस। तो कंप्लीट डिस्टेंस जो लैंडिंग डिस्टेंस है, हमने क्या लिखा है, कंप्लीट लैंडिंग डिस्टेंस जो है, एंटायर लैंडिंग डिस्टेंस की स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट भी मेंशन कर दिया है, क्लियर है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम लैंडिंग करेंगे तो उसके लिए भी यही रनवे यूज करेंगे, सॉरी टेक ऑफ करेंगे तो उसके लिए भी यही रनवे यूज करेंगे। तो टेक ऑफ के केस में अलग सीन होगा, वो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो नॉर्मल लैंडिंग केस आई होप क्लियर होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल लैंडिंग केस में स्टॉप जो होता है, एयरक्राफ्ट स्टॉप हो रहा है, वो लैंडिंग डिस्टेंस का कितना प्रतिशत होना चाहिए, 0.6, 0.4, 0.5, none of the above। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.6 ऑफ लैंडिंग डिस्टेंस। या ये भी पूछ सकता है कि लैंडिंग के केस में जो एयरक्राफ्ट है रनवे के ऊपर, जो एल्टीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 15 मीटर होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शंस हैं आपके जो ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं यहां पर नॉर्मल, दूसरा केस बात करते हैं, नॉर्मल टेक ऑफ केस। अब जब हम टेक ऑफ की बात करते हैं तो टेक ऑफ केस में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी हम टेक ऑफ कर रहे हैं तो टेक ऑफ में रनवे तक का तो एरिया खाली होना चाहिए और रनवे के आगे का भी पोर्शन खाली होना चाहिए। क्योंकि तुमने साइट सिलेक्शन में पढ़ा था कि ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए, रनवे के सामने ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। साइट सिलेक्शन में ये चीज़ पढ़ी थी या नहीं, और रनवे ओरिएंटेशन में भी मैंने बताया था कि रनवे ओरिएंटेशन में जो जो प्रॉब्लम आती है वो किस किस की आती है, वो न्यूसेंस की आती है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, साउंड कर रहा होगा, जैसे जेट इंजन है बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा होगा तो न्यूसेंस की प्रॉब्लम, एक्सेसिव ग्रेडियंट की प्रॉब्लम, और किसकी प्रॉब्लम आती है, ऑब्स्टिकल की। तो ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं इन दिस केस आ क्लियर वे इज प्रोवाइडेड। अब हम बात करते हैं क्लियर वे होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ इस डायग्राम में देखिएगा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये तो आपका पूरा रनवे जो येलो कलर में हो गया, ये क्या हो गया, रनवे हो गया। और ये जो डायग्राम है थोड़ा सा गलत बन गया है, ये जो पोर्शन आता है वो रनवे के यहाँ एंड पे आना चाहिए। रनवे के एंड पे जो डिस्टेंस हमारी होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10.5 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10.5 मीटर। तो अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये जो है यहाँ से रनवे पे एयरक्राफ्ट चालू करेगा और यहाँ से आते 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 इस पॉइंट पे उड़ना चालू करेगा, ये पॉइंट उड़ना चालू किया और इस पॉइंट पे आते आते 10.5 मीटर का एल्टीट्यूड पालेगा।
लेकिन अगर इसके सामने कोई बिल्डिंग बना दी जाए 10.5 के बाद, तो धीरे धीरे आप देखो यहाँ पर धीरे धीरे ये एल्टीट्यूड को फाइंड करेगा यानी, और रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड तक जाएगा, तो इसके सामने कुछ पोर्शन जो होता है वो ऑब्स्टिकल फ्री होना चाहिए, और यही पोर्शन क्या कहलाया जाता है, क्लियर वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यही पोर्शन आपका क्या कहा जाता है, क्लियर वे कहा जाता है। क्लियर वे मतलब एक ऐसा पोर्शन जहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन परमिट नहीं होगा। तो ये पॉइंट जहां से आपका एयरक्राफ्ट उड़ना स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहलाता है, ये पूरी डिस्टेंस इनिशियल से लेकर के यहां तक ये कही जाती है लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस। और इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस क्या कहलाता है, तो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस याद रखना रनवे लेंथ पे इनिशियल से लेकर के वो पोजीशन जहां पे एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड गेन करना स्टार्ट करता है, एल्टीट्यूड को गेन करना स्टार्ट करेगा, मतलब लिफ्ट होना स्टार्ट होगा, ग्राउंड को छोड़ करके लिफ्ट होना स्टार्ट होगा, वो आपका लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस कही जाएगी। और टेक ऑफ जब यहाँ 10.5 मीटर पहुंच जाते हैं, जब यहाँ 10.5 मीटर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद क्लियर वे में पर्टिकुलर डिस्टेंस पहुंच जाते हैं, पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पहुंच जाते हैं, तो वो पूरा क्या कहलाता है, टेक ऑफ डिस्टेंस कहा जाता है। और ध्यान रखना जिस पोजीशन पे एयरक्राफ्ट रनवे के अंतिम पॉइंट पे एयरक्राफ्ट 10.5 मीटर की डिस्टेंस पा ले रहा है, सॉरी 10.5 मीटर का एल्टीट्यूड पा ले रहा है, वो डिस्टेंस 115% ऑफ एलओडी होती है। लेंथ ऑफ अगर हम बात करते हैं 115% एलओडी होता है, ठीक है, एलओडी मतलब लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, ये लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस का 115% ये वैल्यू होती है जहां पर एयरक्राफ्ट 10.5 मीटर का एल्टीट्यूड पा लेता है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, जहां पर एयरक्राफ्ट 10.5 मीटर का एल्टीट्यूड पा लेता है उसको हम बोलते हैं क्या, वो हम बोलते हैं लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस का 115। मतलब अगर मैंने बोल दिया है एलओडी यहाँ पर 100 मीटर है, तो वो डिस्टेंस जहाँ पर 10.5 मीटर का एल्टीट्यूड पालेगा वो कितना हो जाएगा, 115% ऑफ एलओडी यानी 115 मीटर होना चाहिए, मतलब अगले 15 मीटर में 10.5 मीटर का एल्टीट्यूड पालेगा। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भैया ये बताइए क्लियर वे की जो डिस्टेंस होती है, ये क्लियर वे है, और क्लियर वे की जो डिस्टेंस वो होती है वो कितना होता है, तो ध्यान रखना क्लियर वे की डिस्टेंस कभी भी, अगर हम बात करें क्लियर वे की डिस्टेंस जो है वो कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है कहाँ से, एलओडी से, लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस से लेकर के क्लियर वे के लास्ट तक की जो डिस्टेंस टोटल है उस डिस्टेंस का हाफ से ज्यादा, या आप बोलो एलओडी और टीओडी के बीच के डिस्टेंस का हाफ नहीं होना चाहिए। तो एक सिंपल वे में अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं कि क्लियर वे डिस्टेंस जो होती है, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्लियर वे डिस्टेंस या क्लियर वे का जो लेंथ है वो होता है हाफ ऑफ, शुड नॉट बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ टीओडी माइनस एलओडी, और टीओडी का मतलब है टेक ऑफ डिस्टेंस और एलओडी का मतलब है लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस के हाफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां पर है जो आपसे पूछा गया है, तो मैं ये बोलूंगा कि इतने ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं उससे बेटर है कि आप डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यदि आप डायग्राम ध्यान रखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। दूसरा क्या पूछा जाता है, इसका प्लान और देखते हैं, प्लान मतलब ऊपर का व्यू और देखते हैं, ठीक है। अगर मैंने प्लान देखा तो रनवे यहां है और क्लियर वे यहां पे है, तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है क्लियर वे की जो मिनिमम विड्थ होती है वो कितनी होती है, तो ध्यान रखना क्लियर वे की जो मिनिमम विड्थ रिकमेंडेड की गई है, वो 150 मीटर यानी 500 फिट रिकमेंडेड की गई है, ठीक है। अगर एंड एंड इट शुड बी कैप्ट फ्री फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन, इसको किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से क्या रखना चाहिए, फ्री
फ्री रखना चाहिए। तो ये ऊपर से व्यू देख रहे हो, क्लियर वे क्या है, एक 150 मीटर का अगर हम बात करें, 150 मीटर मिनिमम इसको प्रोवाइड करना। रनवे की लेंथ कुछ भी हो सकती है, रनवे की विड्थ कुछ भी हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग हम देखें क्लियर वे 150 मीटर का होना चाहिए मिनिमम। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो कितनी डेफिनेशन पढ़ लिया आपने, लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस वो डिस्टेंस जहां पर एल्टीट्यूड गेन कर रहा है वो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, टेक ऑफ डिस्टेंस जहां पर रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड गेन कर चुका है क्लियर वे के एंड पॉइंट पे वो टेक ऑफ डिस्टेंस, और अगली हम बात करें वो पॉइंट जहां पर 10.5 मीटर का एल्टीट्यूड गेन कर चुका है एयरक्राफ्ट, वो क्या होता है 115% ऑफ लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस हो जाता है। डिस्टेंस और रीच हाइट ऑफ 10.5 मीटर, तो हमने ये सारे इस डायग्राम में यहां पर मेंशन करके रखा है, लेकिन अभी भी तुम्हें क्लियर वे की डेफिनेशन नहीं पता है। ठीक है, क्लियर वे, तो अगर हम क्लियर वे की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्लियर वे होता क्या है समझ लीजिएगा थोड़ा सा, क्लियर वे होता क्या है। ठीक है, अगर हम क्लियर वे की बात कर रहे हैं तो क्लियर वे होता है इट इज एन एरिया बियॉन्ड रनवे, रनवे के बाहर एक एरिया है एंड इट इज इन अलाइनमेंट विथ सेंट्रल लाइन ऑफ रेलवे, सेंटर लाइन ऑफ रनवे मतलब रनवे की सेंटर लाइन के साथ क्या होता है अलाइन होता है। तो अगर हम बात करें इस डायग्राम में, अगर सेंटर लाइन रनवे की ये जा रही है तो क्लियर वे की सेंटर लाइन भी क्या होगी इसी लाइन में अलाइन होने वाली है, और ये रनवे के बाहर एक एरिया हो रहा है। ठीक है, रनवे के बाहर एक एरिया हो रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अगेन हमने बात कर लिया क्लियर वे की विड्थ की और क्लियर वे की सारी चीजों की हमने बात कर ली, तो इस तरीके से हमारा बना होता है क्लियर वे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा केस जो है वो है इंजन फेल्योर केस। ठीक है, इंजन फेल्योर केस, तो तीसरा केस की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा केस जो है वो इंजन फेल्योर केस होता है, इंजन फेल्योर केस। और इंजन फेल्योर केस में अगर हम बात करते हैं तो हम बात करें दिस केस ईदर रिक्वायर आ स्टॉप बे और आ क्लियर वे। तो देखो क्लियर वे तो आप समझ गए हैं, क्लियर वे होना चाहिए, अब वो बोल रहा है स्टॉप वे होना चाहिए। स्टॉप वे क्या होता है इस डायग्राम में थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर तो ये क्लियर वे के साथ एक और पोर्शन इंक्लूड कर दिया है, तो ये क्या है आपका, ये स्टॉप वे है और ये क्या है क्लियर वे है। तो स्टॉप वे एक ऐसा स्पेस है जहां पर हम रोक रहे हैं, ये क्या है लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, रनवे पे यहां से चलना स्टार्ट किया एयरक्राफ्ट यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पर इस पॉइंट पे आकर के इंजन फेल्योर हो गया। अगर इंजन फेल्योर हो गया है तो दो कंडीशन बन सकती है। ठीक है, देखो यहां पर लिख दिया है क्लियर वे शुड नॉट बी मोर देन हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, मतलब टेक ऑफ पॉइंट से लेकर के लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस से लेकर के टेक ऑफ डिस्टेंस के हाफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर वही चीज। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए यहां पर इंजन फेल्योर हो गया, अगर इंजन फेल्योर हो गया तो दो केस है, एक तो आप एयरक्राफ्ट को रोकिएगा और दूसरा है कि एयरक्राफ्ट को आपको उड़ाना ही पड़ेगा क्योंकि कंडीशन ऐसी बन रही है कि दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब देखना यहां पर दो केस कब बनते हैं, या तो इंजन फेल्योर स्पीड, जब इंजन फेल्योर की स्पीड है वो ग्रेटर देन है डिजाइनेटेड स्पीड से क्या है ज्यादा है, तो एक केस बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा, जब इंजन फेल्योर स्पीड जो है वो डिजाइनेटेड स्पीड से कम है। तो अगर वो स्पीड डिजाइनेटेड स्पीड से कम है तो यहां पर हम यूज करेंगे स्टॉप वे, मतलब हम एयरक्राफ्ट को रोकने की कोशिश करेंगे। अगर इंजन फेल्योर हो गया है और स्पीड जो है वो डिजाइनेटेड स्पीड से, रनवे पे जिस स्पीड से भागना था उस स्पीड से कम है, फेल्योर के टाइम पे जो स्पीड डिजाइन की जाएगी उस स्पीड से कम है तो हम स्टॉप वे यूज करेंगे, मतलब एयरक्राफ्ट कम टू स्टॉप यूजिंग स्टॉप वे
स्टॉप वे को यूज करके कम टू स्टॉप। लेकिन यदि मान लीजिए पहला केस हो जाता है, पहला केस हो जाता है इंजन फेल्योर स्पीड इज ग्रेटर देन, देन यूज क्लियर वे। हमें क्या यूज करना है, क्लियर वे यूज करना है, मतलब एयरक्राफ्ट विल टेक ऑफ। अगर एयरक्राफ्ट होगा उसको क्या करेंगे, टेक ऑफ एंड यूजेस टर्निंग जोन एंड कम बैक अगेन फॉर नॉर्मल टेक ऑफ के लिए फिर से वापस आएगा। ठीक है, तो क्या करता है, समझ लेना बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, वो बात समझ लेना। ठीक है, आप वो बात समझ लेना, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, अगर स्पीड जो है वो डिजाइन स्पीड से ज्यादा है तो क्या करेंगे हम, स्टॉप नहीं कर पाएंगे तो स्टॉप नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन, उस पर्टिकुलर लेंथ में जिसने हमें स्टॉप करना, स्टॉप नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, एयरक्राफ्ट को उड़ा देंगे। और क्लियर वे के पास बना होता है एक टर्निंग जोन का मतलब है यहां से एयरक्राफ्ट टर्न हो सकता है इजिली, तो एयरक्राफ्ट को टर्न करेंगे और फिर से यहां पर हम रनवे पे ले आएंगे और फिर इंजन की जो भी कंडीशन है उसको सॉल्व करने के बाद नॉर्मल टेक ऑफ करवाने की कोशिश की जाएगी। तो आई होप कि चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये कंडीशन होने वाली है। ठीक है, तो हम बात करें, दिस केस ईदर यूज रिक्वायर अ स्टॉप वे और क्लियर वे। तो हमने दो केसेस पढ़ लिए, स्टॉप वे है और, तो केस दो बन सकते हैं, केस वन एंड केस टू। केस वन की यदि मैं बात करूंगा तो वी फेल्योर पे जो स्पीड है ग्रेटर देन है डिजाइन स्पीड के, तो हम क्या यूज करेंगे, क्लियर वे यूज करेंगे। और यदि फेल्योर स्पीड जो है वो लेस देन है डिजाइन फेल्योर स्पीड के तो हम क्या यूज करेंगे, उस कंडीशन में हम यूज करने वाले हैं स्टॉप वे का, डायरेक्टली स्टॉप कर देंगे। तो अब डेफिनेशन यहां पर आपने पिछले बारे में देखी थी, क्लियर वे की डेफिनेशन क्या होती है, क्या एक स्पेस जो कि रनवे के बियॉन्ड प्रोवाइड किया जाता है और उसका अलाइनमेंट रनवे के सेंटर लाइन के अलाइनमेंट के बराबर होता है, वो क्लियर वे होता है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं कि हमारा स्टॉप वे क्या कहा जाएगा, और ध्यान रखना क्लियर वे की जो पेमेंट होती है, क्लियर वे की पेमेंट वो लगभग सेम होती है, ऐसा नहीं बोलेंगे हम सेम ही रखते हैं, कई बार उसकी स्ट्रेंथ कम भी रखी जाती है, हाफ स्ट्रेंथ के साथ, जो रनवे की स्ट्रेंथ है उसका हाफ के साथ रखा जाता है। ठीक है, स्टॉप वे की बात करें तो स्टॉप वे क्या होता है, तो हम लिखेंगे स्टॉप वे इज एन एरिया बियॉन्ड द रनवे एंड इट इज सेंट्रली लोकेटेड विथ द अलाइनमेंट ऑफ रनवे। रनवे का जो अलाइनमेंट होगा उसी अलाइनमेंट के साथ ये सेंट्रली लोकेट होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, तो अगर ये रनवे है तो रनवे का अलाइनमेंट यहाँ से जा रहा है, तो उसी तरीके से स्टॉप वे का अलाइनमेंट और क्लियर वे का अलाइनमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगेन क्लियर वे की मिनिमम बर्थ कितनी रहेगी, मिनिमम बर्थ रहने वाली है 150 मीटर, लेकिन जो स्टॉप वे है स्टॉप वे की बर्थ रनवे की स्टॉप वे की जो विड्थ होगी वो रनवे की विड्थ से थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है और उसके बराबर भी रखते हैं, तो जनरली हम बराबर विड्थ रखते हैं और अगर किसी कंडीशन में ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा ज़्यादा। अब एक और कंडीशन आती है कि जो स्टॉप वे हैं, स्टॉप वे की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो हम बात करते हैं कब यूज होता है, तो हम बात करते हैं स्टॉप वे, अगर हम बात करते हैं तो स्टॉप वे की जो स्ट्रेंथ है, तो स्टॉप वे पेमेंट स्ट्रेंथ should be just sufficient, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जस्ट सफिशियंट होनी चाहिए टू कैरी
मतलब एयरक्राफ्ट वहां जाकर के रुकेगा, वहां पर स्पीड अचीव नहीं करेगा लेकिन वहां जाकर के रुकेगा। अगर वहां जाकर के रुक रहा है तो जो स्टॉप बे है उसकी स्ट्रेंथ इतनी होना चाहिए कि वो एयरक्राफ्ट, जो लोडेड एयरक्राफ्ट है, उनके वेट को ले सके। बल्कि ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है मुझे, हमें डिज़ाइन इकोनॉमिकल बनानी है, तो हम बस उतना ही सफिशेंट रखेंगे कि ज़्यादा वहां पर भार नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन करते हैं तो लैंडिंग में क्या होता है, पुश करता है, लैंडिंग में क्या करता है, जब नीचे आएगा तो पेमेंट को पुश करेगा, वहां स्ट्रेंथ अच्छी देनी पड़ेगी। और टेक ऑफ में भी क्या करेगा, थोड़ा सा पुश करके फिर ऊपर की साइड पे निकलेगा, पुश करेगा फिर ऊपर की साइड पे टेक ऑफ करेगा, तो उस कंडीशन में स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी चाहिए पड़ती है। बट यहां पर इतना चाहिए कि पेमेंट में स्टॉप में आ जाए, ठीक है, ठीक है। और अगेन अगर कभी पूछ लिया जाए तो स्टॉप बे कब यूज होता है, तो स्टॉप बे इट इज यूज ड्यूरिंग अबॉर्टेड टेक ऑफ। अबॉर्टेड मतलब एक ऐसा टेक ऑफ है जो फेल हो चुका है, जो फेल हो चुका है, तो अबॉर्टेड टेक ऑफ के दौरान हम किसको यूज करते हैं, स्टॉप बे को यूज कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक वर्ड आया था टर्निंग जोन, टर्निंग जोन, तो टर्निंग जोन क्या होता है उसको और समझ लेना। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, कहां है टर्निंग, यूजेस टर्निंग जोन, यूजेस टर्निंग जोन एंड कम बैक, यूजिंग टर्निंग जोन एंड कम बैक टू द नॉर्मल टेक ऑफ कंडीशंस। तो अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये टर्निंग जोन है क्या, ठीक है। तो टर्निंग जोन है क्या, हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो टर्निंग जोन अगर टर्निंग जोन की बात करें तो हम लिखते हैं, इट इज एन एरिया ऑफ एयरक्राफ्ट इट इज एन एरिया ऑफ एयरपोर्ट अदर देन अप्रोच एरिया विच इज यूज्ड फॉर टर्निंग ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के टर्निंग ऑपरेशन के लिए यूज किया जाने वाला जो जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग जोन होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा बात होता है टर्निंग जोन। तो आई होप कि तीनों केस क्लियर होंगे, नॉर्मल लैंडिंग, नॉर्मल टेक ऑफ एंड इंजन फेल्योर केस। इसमें जो याद रखना है वो याद रखना है लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस एंड टीओडी, टेक ऑफ डिस्टेंस, इनका जो हाफ होगा वो किसके बराबर होगा, क्लियर वे की विड्थ के बराबर होगा। लेकिन स्टॉप वे की विड्थ के लिए, डिस्टेंस के लिए ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया गया है, बट स्टॉप वे की विड्थ जो होगी वो क्लियर वे से कम होगी, इतना हमें बोला गया है, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगेन आगे बढ़ें, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से कंडीशंस क्या होती हैं, उन कंडीशंस को देखते हैं, ठीक है। अगेन एक और नोट का पॉइंट है, कई बार एक और होता है बैलेंस्ड रनवे लेंथ, एक हमसे पूछा जाता है बैलेंस्ड रनवे लेंथ, ठीक है। तो नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा कि द बेसिक रनवे लेंथ दस ऑप्टेंड मतलब इन सारी कंडीशन को कंसीडर करते हुए जो ऑप्टेंड की जाती है इज कंसीडर्ड टू बेस ऑन बैलेंस्ड फील्ड कंसेप्ट। तो ये एक मेथड है, बैलेंस्ड फील्ड कंसेप्ट जो है मेथड है, एंड इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड रनवे लेंथ। तो ध्यान रखना, जो बेसिक रनवे लेंथ हमने डिफरेंट अजम्पशंस मान करके निकाली है, उसको जब हम बैलेंस्ड फील्ड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बेस मान करके हम चेक करते हैं, जब बैलेंस्ड फील्ड कॉन्सेप्ट को बेस मान करके उसको जब हम चेक कर रहे होते हैं, तो वही लेंथ का नाम क्या किया जाता है, बैलेंस्ड रनवे लेंथ कहा जाता है। अब आपने ये बेसिक रनवे लेंथ निकालना सीखा है, ठीक है। अगर आपने बेसिक रनवे लेंथ निकालना सीखा है तो अगला क्वेश्चन ये आता है, सर यदि मान लीजिए
कि जो आपने बोला सी लेवल पे एल्टीट्यूड नहीं है, तो उस कंडीशन में रनवे लेंथ चेंज होगी, तो वो रनवे लेंथ में कुछ करेक्शन अप्लाई करने होंगे, या टेम्परेचर हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं है तो उस कंडीशन में रनवे लेंथ में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो चेंजेस क्या होंगे और किस तरीके से हम रनवे लेंथ निकालेंगे, तो उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट करेक्शन ऑन रनवे लेंथ, करेक्शंस ऑन रनवे लेंथ। तो जनरली यहाँ पर हमें तीन करेक्शन पढ़ने हैं, एक तो एलिवेशन के कारण, दूसरा टेम्परेचर के कारण, और तीसरा ग्रेडियंट के कारण, और इनके ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं डायरेक्टली। तो पहला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है करेक्शन फॉर एलिवेशन, करेक्शन फॉर एलिवेशन, एलिवेशन के लिए किस तरीके से करेक्शन किया जाएगा वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, एक ऑर्डर भी पूछा जाता है कि करेक्शन जो अप्लाई करेंगे रनवे लेंथ पे वो किस ऑर्डर में करेंगे, तो इसकी बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपका एलिवेशन करेक्शन होगा, उसके बाद टेम्परेचर करेक्शन होगा, और थर्ड नंबर पे आपका क्या होता है, ग्रेडियंट का करेक्शन होगा। कभी भी इनको रैंडमली अप्लाई नहीं करना है, सबसे पहले एलिवेशंस, देन टेम्परेचर, और देन ग्रेडियंट करेक्शन अप्लाई करोगे। तो आपको जैसा कि अभी मैंने बताया था कि एलिवेशंस जो है, इलीवेशंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एयर की डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर डेंसिटी ऑफ एयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो एलिवेशन बढ़ने पे डेंसिटी कम होती जाएगी या नहीं, ठीक है, और इंक्रीजिंग एलिवेशन क्या होगा, डेंसिटी चेंज होगी, और डेंसिटी चेंज होने पे इट विल रिजल्ट, इट ऐसा लिखेंगे, इट रिड्यूसेस, एंड जैसे जैसे एलिवेशन 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 हम क्या करेंगे, एलिवेशन बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, एयर की कम होती जाएगी, और डेंसिटी कम होगी तो उस कंडीशन में इट विल रिजल्ट, इट विल रिड्यूस, इसे लिखिएगा, इट विल रिड्यूस द लिफ्ट ऑन विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट, विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट, और अगर एयरक्राफ्ट के विंग्स पे लिफ्ट नहीं हुआ, एयरक्राफ्ट के विंग्स पे लिफ्ट नहीं हुआ, तो एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट रिक्वायर्ड, एयरक्राफ्ट रिक्वायर्ड रिक्वायर आ ग्रेटर ग्राउंड स्पीड, ग्रेटर ग्राउंड स्पीड, और अगर ग्राउंड स्पीड ग्रेटर चाहिए, हैंस 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 लॉन्ग रनवे लेंथ रिक्वायर्ड, लॉन्ग रनवे लेंथ रिक्वायर्ड। तो आपने अंतर देखा किस तरीके से है, उसने बोला कि जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ा, मीन सी लेवल से, ध्यान रखना मीन सी लेवल से, एलिवेशन कहां से चेक करना है, एलिवेशन फ्रॉम मीन सी लेवल हमें निकालना है, एलिवेशन कहां से चेक करना है, फ्रॉम मीन सी लेवल, मीन सी लेवल के ऊपर, एमएसएल के ऊपर एलिवेशन चेक करना है। अगर एलिवेशन बढ़ा तो एयर डेंसिटी कम होगी, और एयर डेंसिटी कम होने के कारण जो लिफ्ट है, विंग्स का जो लिफ्ट है वो विंग्स का लिफ्ट अफेक्टेड हो जाएगा, और उस कंडीशन में ग्राउंड स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, और ग्राउंड स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें लंबा चलाना होगा, ग्राउंड पे लंबा दौड़ाना होगा, लंबी डिस्टेंस तक दौड़ाना होगा, ठीक है, एयर में ऊपर ले जाने के पहले लंबी डिस्टेंस पे, इसलिए रनवे लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एलिवेशन बढ़ने पे रनवे लेंथ बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी, तो आपको बोलना पड़ेगा क्या होगा, रनवे लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रनवे लेंथ बढ़ जाएगी, तो यहां पर आईसीएओ ने क्या रिकमेंडेड किया है, तो ध्यान रखिएगा, आईसीएओ पता है ना इसका मतलब, अरे पता है, चलो कमेंट में बता देना, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, 1947 में बना हुआ था, पहला लेक्चर याद है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, आईसीएओ रिकमेंडेड रिकमेंडेड दैट बेसिक रनवे लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड एट 7% पर 300 मीटर राइज इन एलिवेशन अबव मीन सी लेवल, अबव मीन सी लेवल। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि कितना इंक्रीज होना चाहिए, 7% पर 300 मीटर राइज इन एलिवेशन अबव मीन सी लेवल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, मान लीजिए एक एयरपोर्ट है, और इस एयरपोर्ट का जो एलिवेशन है वो एलिवेशन है
100, मान लीजिए 100 मीटर है और मीन सी लेवल जो है वो 50 मीटर पे है। सपोज मीन सी लेवल 50 मीटर या जीरो मान लें हम, ठीक है, तो एलिवेशन कितना हुआ, चलो जीरो मान लो, ठीक है, मीन सी लेवल 0 मीटर पे है तो एलिवेशन कितना हुआ 100 मीटर। तो हर, हमने क्या बोला है, हर 3 मीटर राइज पे, 3 मीटर राइज पे कितना इंक्रीज करना है रनवे लेंथ, 7%। 7% अगर रनवे लेंथ 100 है, सपोज रनवे लेंथ मैंने मान लिया है, रनवे लेंथ आपका 100 मीटर थी या 1000 मीटर थी, ठीक है, तो उस पे 7% बढ़ा दीजिएगा और 7% बढ़ाएंगे तो मतलब 70 मीटर बढ़ा देंगे, तो 70% 300 मीटर पे कितना, 70 मीटर बढ़ा दीजिएगा 7%, तो हो जाएगा 1070 मीटर। अब हमें कितने पे बढ़ा रहा है, 100 पे, तो एक पे निकाल लो, 7% by 300, और अगर हम बात करते हैं तो 100 पे निकालना है तो 100 मीटर पे निकालिएगा 7 by 300 into 100, तो 7% by 3% से बढ़ा दीजिएगा टोटल रनवे लेंथ जो भी है उसको 7% by 3% से आप बढ़ा देंगे। आई होप कि एग्जांपल क्लियर होगा इसका मतलब क्या है, 7% पर 300 मीटर राइज का मतलब क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर होता है आपका एक करेक्शन कंप्लीट, जिसे हम बोलते हैं एलिवेशन करेक्शन। दूसरा करेक्शन हम पढ़ते हैं, अब दूसरा करेक्शन जो होता है करेक्शन फॉर टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर करेक्शन की बात करते हैं तो ये करेक्शन हमेशा एलिवेशन करेक्शन के बाद ही अप्लाई करना है। तो यहां पर सबसे पहले हमें एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर डिफाइन करना पड़ता है, ये क्या होता है, ए आर टी होता है टी ए प्लस 1/3 टी एम माइनस टी ए। अब ये टी ए टी एम टी एन क्या है, और ये वाला इक्वेशंस कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ये इक्वेशन इस पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसको समझिए क्या है, टी ए जो है वो मीन ऑफ क्या है क्या है, मंथली मीन ऑफ, समझिएगा, मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर फॉर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है, अभी बता रहा हूं क्या है, और टी एम क्या है, मंथली मीन ऑफ, यहां पर देखिएगा मीन लिखना भूल गया, ठीक है, मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर फॉर द हॉटेस्ट मंथ, और हम लिख सकते हैं फॉर द सेम मंथ ऑफ द ईयर। तो समझिए क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, ये है क्या तो देखिएगा, आपको इस तरीके से टेबल मिल सकती है, मान लीजिए मंथ आपको यहां पर दे दिए गए हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, और यहां पर इनका एवरेज डेली टेम्परेचर दे दिया गया है और यहां पर इनका मैक्सिमम डेली टेम्परेचर दे दिया गया है, ठीक है। यहां पर कुछ वैल्यू दे दी गई 15, 20, 25, 18, ठीक है, और कुछ और दे दी गई है मान लीजिए 22, और इस तरीके से पूरे अप टू दिसंबर तक वैल्यू दे दी गई है। इसी तरीके से मैक्सिमम डेली मीन, अगर हम मैक्सिमम एवरेज डेली टेम्परेचर, मीन एवरेज डेली टेम्परेचर, और ये भी मीन है एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर का, इसकी वैल्यू दी गई है, मान लीजिए इसकी वैल्यू दे दी गई है, आपको दे दी गई है 18, 22, 28, 15 और 20, इसकी बात की दी गई है 23। अगर इस तरीके से वैल्यू दे दी गई है तो आपको देखना है कि हॉटेस्ट मंथ कौन सा है। अगर हॉटेस्ट मंथ की बात करें तो जिस मंथ में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है वही हॉटेस्ट मंथ है। अगर इनमें देखें 15, 20, 25, 18, 22, तो सबसे हॉटेस्ट कौन सा है, मार्च, और इसी मंथ के लिए मैक्सिमम डेली टेम्परेचर कितना है सबसे ज़्यादा, 28। तो यहाँ पर टी ए की जो वैल्यू हो जाएगी मीन ऑफ, मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर फॉर द हॉटेस्ट मंथ, तो वो कितना हो जाएगा, टी ए इज इक्वल टू 25, और TM की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी, 28। अगर मान लीजिए ये कंडीशन नहीं दी गई है तो आपको क्या होगा, एक मंथ दे दिया जाएगा, पहले तो ये टेबल दे दी जाएगी, ठीक है, और अगर आपको ये कंडीशन नहीं दी गई तो मंथ दिया जाएगा और मंथ में डेज दे दिए जाएंगे।
तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे डेज दे दिए जाएंगे, और उनका एवरेज डेली टेम्परेचर और यहाँ पर मैक्सिमम डेली टेम्परेचर। तो आपको क्या करना होगा, जो भी मंथ दिया है उसके 30 दिन का एवरेज डेली मीन निकालना पड़ेगा, इसका मीन निकालना पड़ेगा, तो वो आपका TA हो जाएगा, और मैक्सिमम डेली टेम्परेचर इसके 30 दिन का मीन निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, TM हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है TA एंड TM की, कि TA और TM क्या होता है, मीन, मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर एंड मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम डेली टेम्परेचर उनका मीन होकर के ये हमारा एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर निकल के आता है। तो अगर हमसे बोला गया है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर के ऊपर या नीचे चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर के, अगर हम बात करते हैं तो एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं तो एयर की डेंसिटी भी फिर से क्या हो गई, चेंज हो जाएगी। मतलब अगर एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीज होता है, बढ़ता है, टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर होता है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर पे, तो उस कंडीशन पे एयर की डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और एयर की डेंसिटी कम होगी तो अगेन सेम प्रॉब्लम, क्या होंगे, विंग्स को लिफ्ट नहीं मिलेगा, विंग्स को लिफ्ट नहीं मिलेगा, और विंग्स को लिफ्ट नहीं बनेगा तो ग्राउंड स्पीड, ग्राउंड जो है, ग्राउंड स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा चाहिए पड़ेगी, और उसके लिए रनवे लेंथ भी क्या चाहिए पड़ेगा, रनवे लेंथ भी ज़्यादा चाहिए पड़ेगा। तो जो सेंटेंस हमने लास्ट वाले में लिखा था वो सेम सेंटेंस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा या नहीं, अगर हम बात कर रहे हैं इसी तरीके से सेम टेंस सेंटेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इसने ICAO ने अगेन रिकमेंडेड किया हुआ है, क्या, देन ICAO रिकमेंड्स, ICAO रिकमेंड्स आफ्टर एलिवेशन करेक्शन, आफ्टर इलिवेशन करेक्शन, तो उसने देखो लिखा भी है आफ्टर इलिवेशन करेक्शन फर्दर रनवे लेंथ इज इंक्रीज, लेंथ इज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 1% फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर अबव स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे एट दैट एलिवेशन, उसी पर्टिकुलर एलिवेशन पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर से अगर हम बात करते हैं एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन पे हर 1 डिग्री राइज पे हम 1% लेंथ को बढ़ा देंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या है, सपोज रनवे लेंथ आपका 1000 मीटर है, रनवे लेंथ कितना है, 1000 मीटर, अगर रनवे लेंथ आपका 1000 मीटर है तो यहाँ पर अगर मैंने बोल दिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो था वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड था और एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर आपका आ गया 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना राइज करना है, 1% लेंथ में इंक्रीज करना है, 1% लेंथ में इंक्रीज करना है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर है, 18 माइनस 15, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हो जाएगा, 3% लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा डायरेक्टली, तो हम इस तरीके से निकाल पाएंगे और हम रनवे लेंथ पहले के कंडीशन में 3% बढ़ा करके हम आंसर निकाल लेंगे। आ रही है बात समझ में, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा चेंजेस होता है किसके लिए, हमारा चेंजेस हो जाता है आपके रनवे के लिए। लेकिन यहां पर एक और चीज हो जाती है, क्या, अब इसके बाद क्या बोलता है, चेक लगाने को बोलता है, चेक फॉर टोटल करेक्शन, टोटल करेक्शन फॉर एलिवेशन प्लस टेम्परेचर, एलिवेशन और टेम्परेचर के लिए हमें एक टोटल करेक्शन लगाने बोलता है। वो क्या बोल रहा है, वो बात समझना, ठीक है, कि ICAO ने रिकमेंडेड किया है, ICAO रिकमेंड्स इफ दैट टोटल करेक्शन, टोटल करेक्शन फॉर एलिवेशन एंड टेम्परेचर शुड नॉट बी ग्रेटर देन, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35% ऑफ
बेसिक रनवे लेंथ, जो रनवे लेंथ बेसिक रनवे लेंथ थी उसके 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, इफ इट हैपेंस देन फर्दर साइंटिफिक स्टडी इज डन, फर्दर साइंटिफिक स्टडी इज डन ऑन रनवे बाय मॉडल टेस्ट। तो मॉडल टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसमें हम मॉडल बनाएंगे, अगेन फिर से विंडरोज डायग्राम इन सारी चीज़ों को हम चेकआउट करेंगे और उन सभी को मॉडल बना करके हम एक मॉडल टेस्ट परफॉर्म करेंगे कि अगर 35% से ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में हम किसे कैसे इसको मिनिमाइज करेंगे। तो दो करेक्शन आपने पढ़ लिए है, एक करेक्शन आपने क्या पढ़ा है, एक करेक्शन पढ़ा है आपने एलिवेशन करेक्शन और एक करेक्शन आपने पढ़ा है रनवे का टेम्परेचर करेक्शन। तो एलिवेशन के बाद टेम्परेचर करेक्शन आपको परफॉर्म करना है, पहले कभी भी परफॉर्म मत करिएगा, ठीक है। अब लास्ट बचा हुआ है तो वो हमारा क्या है, चलिए ठीक है, लास्ट बचा हुआ है हमारा और वो हमारा क्या है, तीसरा करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट के लिए करेक्शन क्या होगा, ठीक है, ग्रेडियंट के लिए करेक्शन क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, ICAO डज नॉट रिकमेंडेड एनी स्पेसिफिक करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। तो ध्यान रखना कि ICAO ने तो ग्रेडियंट के लिए कोई भी स्पेसिफिक करेक्शन अप्लाई नहीं किया है, जबकि FAA फेडरल ऑफ एविएशन हम बात करते हैं तो हम उसकी बात करते हैं तो उसने फेडरल ऑफ एयरक्राफ्ट एविएशन, तो अगर हम बात करते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ यहां पर रिकमेंडेशन दी हुई है, क्यों, अगर हम बात करते हैं तो इफ देयर इज स्टीपर ग्रेडियंट, मतलब वहां पर ग्रेडियंट है, कुछ ना कुछ ग्रेडियंट है, मतलब टेक ऑफ की डायरेक्शन में या टेक ऑफ के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ ग्रेडियंट है, तो अगर टेक ऑफ की डायरेक्शन में ग्रेडियंट है तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा चाहिए पड़ेगी, और लैंडिंग की डायरेक्शन में अगर ग्रेडियंट आ गया तो वहाँ पर क्या होगा, लंबी लेंथ चाहिए पड़ेगा रनवे की एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए। तो इफ देयर इज स्टीपर ग्रेडियंट देन कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एंड लेंथ ऑफ रनवे विल बी मोर। और इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा तो यहां पर FAA recommends दैट रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन एंड टेम्परेचर करेक्शन एलिवेशन और टेम्परेचर करेक्शन के बाद भी should be increased at a rate of 20% फॉर एवरी 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट। अब ये बोल रहा है 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट, इस इफेक्टिव ग्रेडियंट का मतलब समझना क्या है, 1% ऑफ ग्रेडियंट नहीं बोला है, क्या बोला है, 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये क्या है भला, इसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। अब हम एग्जाम अगर हम बात करें इफेक्टिव ग्रेडियंट क्या है, तो इफेक्टिव ग्रेडियंट है कि जो रनवे है मेरा, ये रनवे है, रनवे में यहाँ पर ये लेवल सरफेस है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ ग्रेडियंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये है एंड पॉइंट, ये स्टार्ट है और ये क्या है, एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में जो भी एलिवेशन का डिफरेंस है वो एलिवेशन का डिफरेंस डेल्टा ई
डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रनवे, तो यही हमारा क्या कहा जाएगा, इफेक्टिव ग्रेडियंट कहा जाएगा। तो यहां पर हम इफेक्टिव ग्रेडियंट की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिफरेंसेस इन एलिवेशन बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ रनवे डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रनवे। तो ये हमारी बात कही गई है किसके लिए, इफेक्टिव ग्रेडियंट के लिए। और हमने अगर इफेक्टिव ग्रेडियंट निकाल लिया तो अगर हम बात करें तो इफेक्टिव ग्रेडियंट, यहाँ पर इफेक्टिव ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, ई अपॉन एल, जो भी एलिवेशन का डिफरेंस है, जो लोएस्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग मतलब हम बात करें लोएस्ट पॉइंट। अब देखो ये लोएस्ट पॉइंट इन बिटवीन कहीं भी हो सकता है, और ये है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, तो ये भी इन बिटवीन कहीं भी हो सकता है, तो कहीं पे भी लेना है, ठीक है। और उन दोनों के बीच का डिफरेंस किया और एल से डिवाइड कर दिया, वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इफेक्टिव ग्रेडियंट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो इसको आप डिफाइन कर लोगे 1%, अगर 1% का इफेक्टिव ग्रेडियंट है तो 20% का चेंजेस होना है, इंक्रीज करना है 20% से, कितने से, 20% से इंक्रीज करना है। लेकिन अगर आपने बोला 2% का इफेक्टिव ग्रेडियंट है तो 20/1 × 2 यानी 40% से इंक्रीज करना होगा, जो भी करेक्शन के बाद लेंथ आएगी उसका, बेसिक में नहीं, जो भी करेक्शन के बाद लेंथ आएगी उसका हम दोनों करेक्शन के बाद की लेंथ में करना होगा। तो मतलब सबसे पहले हमारी क्या थी, अगर हम बात करें बेसिक लेंथ थी एल, उसके बाद आपने किया एलिवेशन करेक्शन L1 हुई, उसके बाद टेम्परेचर करेक्शन L2 हुआ, और उसके बाद करेक्शन किया ग्रेडियंट का तो L3 हो गई। ये हमारी फाइनल रनवे लेंथ यहाँ पर निकल करके आएगी। तो आप बताइएगा बेसिक रनवे लेंथ का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट जो लेक्चर में लेके आऊँगा इसके क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस यानी मेंस क्वेश्चंस के टाइप से, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बस क्वेश्चन ही आपको करवाऊँगा, अभी हम केवल ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी नॉलेज देख लेते हैं कि आपने क्या पढ़ा। पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, पॉज करिएगा और कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इफ द मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर, अब क्या बोला गया है, मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर, अब एवरेज का बोल दिया गया है, एवरेज ऑफ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर 25°C, मतलब TA की वैल्यू बोल दी गई है 25°C, एंड द मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर, मैक्सिमम डेली टेम्परेचर मतलब TM ऑफ द सेम मंथ ऑफ द ईयर इज 46°। तो आपसे बोला एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर निकालिएगा, तो ART इज इक्वल टू क्या होता है, TA प्लस 1/3 TM माइनस TA, वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा, 25°C प्लस 1/3 46 माइनस 25, तो अगर हम बात करें तो ये कितना 21/7/7 और ये हो जाएगा 32°C, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी ने सही आंसर दिया होगा, ठीक है, बस पहचानना है TA क्या है और TM क्या है। दूसरा क्वेश्चन पहले पॉज कर लीजिएगा, फिर आंसर दीजिएगा, फिर डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ICAO द रिकमेंडेड लेंथ ऑफ एयरपोर्ट्स इज डिसाइडेड ऑन, एयरपोर्ट्स की जो रिकमेंडेड लेंथ है वो किन किन बातों पर, मतलब जो हमने अज्यूम्ड पैरामीटर माने थे उनकी बात कर रहा है। सी लेवल एलिवेशन, बिल्कुल सही बात है, सी लेवल पे होना चाहिए एलिवेशन, बिल्कुल मीन सी लेवल पे होना चाहिए। स्टैंडर्ड सी लेवल टेम्परेचर, सी लेवल टेम्परेचर होना चाहिए, या मीन स्टैंडर्ड मीन टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 15°C, बिल्कुल सही बात है। तीसरा इफेक्टिव ग्रेडियंट परसेंटेज, बिल्कुल लास्ट में हमने यही तो पढ़ा, इफेक्टिव ग्रेडियंट के बेसिस पे हम उसकी निकालते हैं, मतलब लेवल्ड होना चाहिए, लेवल्ड होना चाहिए, इफेक्टिव ग्रेडियंट परसेंटेज मतलब लेवल्ड सरफेस होना चाहिए, ग्रेडियंट बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यहां पर ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होगा। तो अगले सेशन में मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ प्रैक्टिस सेशंस, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा क्या आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, और शेयर कीजिएगा। देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर एक हम बात करते हैं कि चीज़ें अगर हमें करनी है तो हमें
मोटिवेशन मिलता रहना चाहिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, जिसमें तीन से चार क्वेश्चंस में आपको लेकर के आऊंगा और इन सभी चीज़ों का हम बात करेंगे। तो पहले इनको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। जल्दी ही हम मिलेंगे। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारे PDF वहाँ पर शेयर किए जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।